आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। 13 मई को निकाय चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही सभी विजेता महापौर और पार्षद अपने अपने शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं शपथ ग्रहण को लेकर अब तैयारियां नए सिरे से तेज कर दी गई है, जिसके लिए शासन आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें 26 और 27 मई को पूरे प्रदेश के निकायों में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां सभी नए महापौर और पार्षद शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। तो 26 और 27 मई की तारीख घोषित की गई है, जब जो नगर निकाय चुनाव के सभी विजय प्रत्याशी हैं, जो सभी विजेता हैं, वो शपथ लेंगे और अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए थे, जिसके बाद सभी महापौर से लेकर के सभी पार्षद अपने शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे में शपथ ग्रहण की अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, साथ ही अब ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द तैयारियों को पूरा किया जाए। तो इस बार सभी 17 नगर निगम को में जो महापौर है वो शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, तो साथ ही साथ जो सभी पार्षद है वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे, अपनी शपथ लेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की भी तैयारी लगातार भाजपा द्वारा की जा रही है। तो 26 और 27 मई को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है, तो अब इंतजार खत्म हुआ है और शपथ ग्रहण की बारी है। जी हां, 13 मई को नतीजे घोषित हो गए थे, जिसके बाद लगातार सभी विजयी प्रत्याशी अपने शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रहे थे, जिसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब तैयारियां भी लगातार जोरों शोरों पर है, क्योंकि अब से महज एक दिन बाद ही जो चयनित प्रत्याशी हैं वो शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। तो आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां भी तेज हो गई है, उसको भव्य बनाने के लिए भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार जुट गए हैं। तो उस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे आए थे और अब शपथ ग्रहण समारोह की तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाया जा रहा है? अगर बात की जाए तो नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करती है और उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम में से 17 का भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक अपना पार्टी को समर्पित नेता को जिताती है। उसके बाद अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं चुनाव में जीत के जश्न के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह को हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है। आपको बताएं कि आने वाले 26 तारीख और 27 तारीख को उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में जिन्हें जनता ने चुना है, चाहे वो पार्षद हो या नगर पंचायत अध्यक्ष हो या नगर पालिका के अध्यक्ष हो या महापौर हो, ये तमाम गणमान्य कहीं ना कहीं शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो महापौर को शपथ मंडलायुक्त के द्वारा दिलाया जाएगा, वहीं पार्षदों को शपथ ग्रहण कहीं ना कहीं जिला अधिकारी के द्वारा दिलाया जाएगा। साफ तौर से अगर देखा जाए तो आपने मुस्कान देखा कि बीते चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीते दिन लगातार अलग अलग क्षेत्रों के मेयर राजधानी लखनऊ आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से तमाम सलाह ले रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रमुखता से स्वच्छता और साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को कहीं ना कहीं स्थापित करने को लेकर निर्देश देते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल विभांशु, लेकिन जिस तरीके से माना जाए कि यूपी में दो चरणों में निकाय चुनाव हुए थे, तो क्या कहा जाए कि दो चरणों में ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा? मुस्कान, अगर बात की जाए तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए शासन की तरफ से दो दिन चयन किया गया है। आपको बताएं कि 26 और 27 का दिन तिथि तय किया गया है नगर विकास विभाग की तरफ से। अब जो भी जिस डेट पे सक्षम है जिस क्षेत्र में, वहां पर वहां का जिला प्रशासन कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह रखेगा। शपथ ग्रहण समारोह में अगर बात की जाए तो सबसे भव्य कहीं ना कहीं महापौर के जो तमाम जीते हुए मेयर हैं उनका शपथ ग्रहण देखने को मिलेगा। आपको बताने के निर्देश है
कि तमाम जो क्षेत्रीय लोग हैं, साथ ही साथ जो तमाम क्षेत्र की जनता है जिसके समर्थन से कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं नगर निगम के अंदर में शपथ लेने जा रहे हैं, तो वो देवता तुल्य गणमान्य जो वोटर्स हैं उनके समक्ष कहीं ना कहीं साक्षी लेकर, संविधान की साक्षी लेकर और अपने नगर निगम का विकास के लिए, नगर पंचायत के विकास के लिए कहीं ना कहीं वादे करेंगे। आपको बताएं कि इस एक मौके पर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनता के साथ साथ क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी रहेंगे और देखने वाली बात यह होगी मुस्कान कि आमतौर पर देखा जाता है कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसमें पक्ष के साथ साथ विपक्ष की जो रनर अप होते हैं या विपक्ष की जो पार्टियों के नेता होते हैं उनको भी बुलाने की एक रिवाज है। तो क्या इस बार के नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में या नगर पालिका नगर पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह में जो प्रतिद्वंदी थे उनसे कैसे उनको आमंत्रित किया जाता है और कैसे? बिल्कुल भांशु, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ लगातार निकाय चुनाव में हॉट सीट बनी रही थी। तो लखनऊ में निकाय चुनाव के नतीजे काफी अच्छे घोषित हुए थे, हम सभी ने देखा था और आप लगातार ग्राउंड पर मौजूद भी थे। लेकिन अब शपथ ग्रहण समारोह है, ये शपथ ग्रहण समारोह कहाँ होगा और इसको भव्य बनाने के लिए क्या कुछ लखनऊ में किया जा रहा है? विभांशु मुस्कान, अगर बात की जाए तो कल नगर विकास विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, और आज अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से जगह की चिन्हित की जाएगी। आज देर शाम तक आपको बताएं कि नगर विकास विभाग की नियमावली के बाद अब जिला प्रशासन कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थान का चयन करेगा। आमतौर पर देखा गया है कि 2017 का चुनाव हो या 2012 का नगर निगम चुनाव हो, आमतौर पर रमाबाई मैदान में ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर राजधानी लखनऊ के नगर निगम में 110 पार्षद हैं, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मेयर हैं, उनके साथ राज्यपाल के द्वारा मनोनीत पार्षद भी कहीं ना कहीं शपथ लेंगे, तो एक हुजम आएगा, एक भीड़ आएगी। तो इसको देखते हुए एक बड़े स्थान को जिला प्रशासन की तरफ से चयनित किया जाएगा। अभी तक जिला प्रशासन यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि शपथ ग्रहण समारोह कहाँ रखा जाएगा, मगर आमतौर पर रमाबाई मैदान में ही शपथ ग्रहण समारोह राजधानी में रखी जाती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद दिभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बताते चले कि निकाय चुनाव में जीते प्रत्याशी अब शपथ लेते हुए नजर आएंगे, तो वही अब ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अमूमन ये एक रीति है या यूं कहें कि नियम है कि शपथ ग्रहण समारोह में जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको भी बुलाया जाता है। लेकिन अब यहां पर किस तरीके से विपक्षी पार्टियों को शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण भेजा जाएगा और कौन कौन से विपक्षी दिग्गज इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर घमासान शुरू हो गया है और एक तरफ जहां पीएम मोदी 28 मई को संसद की नई इमारत का उद्घाटन करने वाले हैं, तो वही विपक्षी दलों की मांग है कि नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने के विपक्ष की मांग के बीच मंगलवार को कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है और कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की मांग है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू से ही कराया जाए, नहीं तो संयुक्त विपक्ष भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेगा। तो इस महीने के अंतिम रविवार को देश एक नया इतिहास रचने जा रहा है जहां अब देश के लोगों को एक नया संसद भवन मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इस नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उद्घाटन शुरू होने से पहले ही जो घमासान है वो भी अब शुरू हो चुका है। दरअसल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ये कह रही है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। और विपक्षी पार्टियों ने सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं कि अगर इस नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है तो जो विपक्षी मोर्चा है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस कार्यक्रम का कहीं ना कहीं बहिष्कार करती हुई भी दिखाई देंगी। तो नए भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार घमासान जारी है। तो जो तमाम विपक्षी नेताओं का अब ट्वीट भी सामने आया है, राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए साफ तौर पर कहा है कि जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
तो एक लंबे इंतजार के बाद नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो होने जा रहा है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को समर्पित करते हुए दिखाई देंगे। भले ही इस उद्घाटन को लोगों को समर्पित 28 को किया जाना हो, लेकिन इस पर जो सियासी घमासान है वो लगातार शुरू हो गया है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार भाजपा पर हमलावर है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्षी नेता है, वो इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विभांशु, इस महीने के अंतिम रविवार को देश एक नया इतिहास रचने जा रहा है, जहां देश को नया संसद भवन मिलने वाला है, लेकिन ऐसे में विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार हमलावर है, इसकी मुख्य वजह क्या है? जी मुस्कान, अगर साफ तौर से देखा जाए तो आने वाले 28 मई को कहीं ना कहीं देश के एक नया संसद भवन मिलेगा। आपको बताएं कि लगभग 100 साल पुराने संसद भवन से अब स्थानांतरण करके नए संसद भवन में देश भर से चुने सांसद कहीं ना कहीं देश की समस्याओं पे बात करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि 28 तारीख को उद्घाटन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ है, आपको बता दें कि लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और तमाम गणमान्यों के द्वारा किया जाएगा। अगर आपके सवाल पे बात करें मुस्कान, तो साफ तौर से तमाम विपक्षी दल, खास तौर से आम आदमी पार्टी TMC और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से अपने आप को अलग थलग रखने की पहले ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से जो निमंत्रण भेजा गया है उसे विपक्ष की तमाम दलों के द्वारा इसे अस्वीकारा गया है और बताया गया है, दलील दी गई है कि देश के नए संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर तमाम विपक्षी दल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और उनका कहना है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में कहीं ना कहीं देश की समस्याओं को रखा जाता है, बात किया जाता है, तो देश की संविधान की जो रक्षा करने की दायित्व जिनके पास है उससे कहीं ना कहीं संसद भवन का उद्घाटन कराया जाए। इसको लेकर अगर बात की जाए तो जहां ममता बनर्जी इस पर हमलावर हो रही है तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपने सुर बदल कर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराना कहीं ना कहीं उनकी पद की, उनकी गरिमा का अपमान है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने पहले ही संसद भवन के उद्घाटन समारोह से बायकॉट किया है, इसको लेकर अब पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है? आपको बताना चाहेंगे मुस्कान कि प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक नया संसद भवन है और एक लंबे अरसे से यह निर्माण कार्य चल रहा था और प्रधानमंत्री की तरफ से दलील दी गई थी कि नए संसद भवन में वो सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों ने इस नए संसद भवन की मांग की थी और कहा था कि अब देश को एक नया संसद भवन मिलना चाहिए, लेकिन अब जब वो संसद भवन मिलने जा रहा है तो जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने इसका उद्घाटन समारोह में जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, आखिर ये कहां तक सही है विभांशु? जी अगर बात की जाए तो नए संसद भवन के निर्माण को लेकर काफी एक लंबे दशकों से चर्चा चल रही थी, क्योंकि अभी तत्काल में जो संसद भवन है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहीं ना कहीं उनकी जब यहाँ पे वाइसरॉय थे तो उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और कहीं ना कहीं मरम्मत और खर्च को देखते हुए नए संसद भवन का प्रस्ताव दशकों से चल रहा था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वीकृति दी गई। अब अगर बात करें तो विपक्षी दलों के बायकॉट का उद्घाटन समारोह का, तो साफ तौर से विपक्षी दलों का आरोप है कि अगर देश के संविधान की रक्षा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अगर उद्घाटन कराया जाता है तो वो बेहतर होगा। साफ तौर से विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन कराने से कहीं ना कहीं वो इस बात से नाखुश है और उनकी यही अपेक्षा है कि देश के नए संसद भवन का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति करे। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अब सियासी घमासान तेज हो गया है
जहां टीएमसी, आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हमलावर हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कार्यक्रम में जो बायकॉट की एक पद्धति शुरू हुई है, जो एक कहीं ना कहीं सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें यश लॉबी यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है वो देखने वाली बात होगी। वांछित प्रतिक्रिया तो बेहद दिलचस्प होगी, लेकिन अमूमन ये भी कहा जाता है कि जब भी किसी नए भवन का उद्घाटन होता है तो विपक्षी पार्टियों को एक निमंत्रण भेजा जाता है, तो क्या वो निमंत्रण भेजा जा चुका है, उसके बाद ये सारी प्रतिक्रिया आ रही है? जी, अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए लंबे अरसे से तैयारी हो रही है। आपने देखा कि लगातार जब पार्लियामेंट का कहीं ना कहीं निर्माण चल रहा था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औचक निरीक्षण भी करने पहुंचते थे कि किस स्थिति में बन रही है संसद भवन, क्या आकार कैसा हो रहा है, इन सब चीजों को हमेशा वो देखते रहते थे। और अगर बात की जाए तो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए तमाम विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया था, मगर उन्होंने साफ तौर से एक बार और बताना चाहूंगा कि उनकी दलील है कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अगर उद्घाटन कराया जाता है तो वो अपनी स्वेच्छा से इसमें कहीं ना कहीं शिरकत करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां विपक्षी दलों के गुटों की मांग है कि राष्ट्रपति के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कराया जाए तो क्या इसमें बदलाव होता है वो आने वाला समय बताएगा, मगर निश्चित तौर से देश को नया पार्लियामेंट मिलना एक कहीं ना कहीं गौरव की बात है। जी बिल्कुल विभांशु, 28 की तारीख पे जो पूरी जो पूरा देश है उसकी निगाहें टिकी होंगी, और ये जो उद्घाटन है विभांशु, इसका समय क्या कुछ बताया गया है, कितने बजे ये उद्घाटन किया जाएगा? जी अगर बात की जाए तो प्रातः काल में इसका कहीं ना कहीं तमाम तैयारियों के बीच, लोक संगीत के बीच और तमाम जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, उसको कहीं ना कहीं उसके अनुमान से अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे कार्यक्रम भी रखे गए हैं जिसमें कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के इतिहास पर बात होगी, साथ ही लोक नृत्य होगा, और लगभग माना जा रहा है कि 10 बजे की समय तय किया गया है नए पार्लियामेंट के उद्घाटन का। इस कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो देश भर के सभी सांसदों को भी निमंत्रण भेजा गया है और समाज में उत्कृष्ट काम करने वाले भी लोगों को कहीं ना कहीं इस नए संसद भवन के उद्घाटन में साक्षी बनने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या विपक्षी दलों के कहीं ना कहीं बायकॉट के बाद कौन से वो विपक्षी दल होंगे जो इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे। जी ठीक है विभांशु, अब तो विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि वीर सावरकर की जयंती वाला दिन ही क्यों आखिर भाजपा ने चुना है उद्घाटन के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो वीर सावरकर की जयंती के दिन कहीं ना कहीं संसद भवन का उद्घाटन कराया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी अगर हाल फिलहाल में देखे तो लंबे समय से वीर सावरकर को लेकर कहीं ना कहीं टारगेटेड रही है बीजेपी पे, और साफ तौर से आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के समय भी राहुल गांधी वीर सावरकर पर बयान के बाद काफी चर्चा में आए थे, और अब अगर बात की जाए तो नए पार्लियामेंट के उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती के दिन कहीं ना कहीं विपक्षियों को और खासकर कांग्रेस पार्टी को एक चुपता सा नजर आ रहा है, जिसका नतीजा है कि उनकी तरफ से दलील दी जा रही है और साफ तौर से कहा जा रहा है। मगर अगर बात की जाए तो तमाम विपक्षी दलों का यही कहना है कि जो देश संविधान की रक्षा करता है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, और देश का जो सर्वोच्च पद होता है उनके द्वारा संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। और साफ तौर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए वीर सावरकर को लगातार जो टारगेटेड रहे वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर, ये भी मामला कहीं ना कहीं उनके नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि जो समय चुना गया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी एक सुयोजित प्लान के तहत चुनी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही महिला बहन वालों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने मंगलवार को एक विवादित बयान में महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर रामायण का संदर्भ देते हुए कहा कि विनेश फोगाट उनके लिए मंत्रा बनकर आ गई हैं। बताया जा रहा है कि आगामी 5 जून को अयोध्या में आयोजित जनचेतना महारैली में भीड़ जुटाने के उद्देश्य से जिले में जनसंपर्क के दौरान मंगलवार को उन्होंने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महिला पहलवान विनेश फोगाट आज वही काम कर रही है जो त्रेता युग में मंथरा ने किया था। साथ ही कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि इससे पहले जंतर मंतर पर हजारों पहलवान धरना दे रहे थे और अब केवल 3 जोड़े बचे हैं, सातवां कोई नहीं है। मंथरा में
कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे दिनेश चौहान मेरे लिए मंथरा बन कर गया है। ये मेरे लिए मंथरा बन कर के आई है। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार तीन पति तीन पत्नी, तीन पति तीन पत्नी, सातवां कोई नहीं। लेकिन जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद दिनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान, जिन्होंने अपने बयान में विनेश फोगाट को मंथरा बता दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से त्रेता युग में मंथरा थी तो वैसे ही अब इस युग में विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा का काम कर रही हैं। तो बीजेपी सांसद ने एक पदक वीर विनेश फोगाट को मंथरा कहकर संबोधित किया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुजीब हमारे साथ जुड़े हैं। मुजीब, जिस विनेश फोगाट को आज सांसद ये कहते हुए संबोधित कर रहे हैं कि वो मेरे लिए मंथरा बनकर आई है, और ये वही पदकवीर है जिसने देश को गर्वान्वित महसूस कराया, जिसके मेडल जीतने पर उनके साथ देश भी रोता था, आखिर उस पदकवीर को मंथरा कहकर संबोधित करना कहां तक सही है? दोनों लोगों में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वही देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इस पे FIR दर्ज हुई है अब आगे की कार्रवाई क्या होती है। दोनों लोग नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन आज उससे ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बोलते हुए कहा कि अगर नार्को टेस्ट कराना है तो मैं लिखित में दे रहा हूँ, वो भी लिखित में दे दे दोनों लोग, और जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो भी इनके ऊपर आरोप लगे उसके ऊपर ये दोनों लोग नार्को टेस्ट अपना कराने को तैयार होगी। लेकिन मुझे जिस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर विनेश फोगाट को मंथरा कहा है, किसी खिलाड़ी को मंथरा कहना कहाँ तक सही है? जी जी मुस्कान, आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने कल संबोधित करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इस पे कहा और लोगों ने इस पे तालियां भी बजाई, जिस तरीके से किसी भी महिला पहलवान को इस तरीके से कहना अशोभनीय लगता है, लेकिन भाई वो राजनीतिक दल के एक पुराने व्यक्ति नेता है, जिस तरीके से आज इस तरीके से कहा जाता है, इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो भी जांच होगी मैं उस जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, और इससे कहा कि वो मेरे लिए मंथरा बन चुकी है। जी बिल्कुल मुजीब, नार्को टेस्ट के लिए तो ब्रिजभूषण सिंह तैयार है, वो लगातार ये कह रहे थे कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन पहलवानों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, तो ऐसे में पहलवानों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिलती हुई नजर आई है मुजीब? जी पहलवानों का कहना है, साफ तौर पर कहना है कि नार्को टेस्ट होगा लेकिन लाइव टेस्ट होगा, जो कि सामने सबके समक्ष होना चाहिए। अब उससे देखने वाली बात होगी कि क्या नार्को टेस्ट के लिए क्या नाम है, जो भी जांच में नहीं निकल के आता है कुछ भी, तो ये यही नार्को टेस्ट ही रास्ता बचता है। अब नार्को टेस्ट में देखिए दोनों लोगों की सहमति किस तरीके से होती है, किस तरीके से इन लोग लाइव कराते हैं, या इस पे ऐसे ही बात चलती रहेगी। जी ठीक है मुजीब, 2024 में लोकसभा चुनाव है और अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है, और जिस तरीके से ब्रिजभूषण सिंह ने विनेश फोगाट को मंत्रा कहा है, तो क्या माना जाए कि ये उनकी बौखलाहट है चुनाव के पहले? जी जी आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव में ये 24 के चुनाव की तैयारी का जिस तरीके से महिलाओं के साथ इस तरीके से अन्याय होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं जरूर इसका पब्लिक जवाब देगी, और चुनाव में हर चीज का मुद्दा बनाया जाता है। अब देखने वाली बात होगी ये मंथरा का जो विषय है इसमें क्या मुद्दा बनता है या यही ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। जी ठीक है मुजीब, जिस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह की छवि अब निकल के जनता के सामने पहुंच रही है, तो वहां की जो जनता है, जो गोंडा की जनता है, कैसरगंज की जनता है, उसका इस मामले पर क्या कुछ कहना है? जी अभी तो फिलहाल ये इससे लोगों का कहना है कि अभी भी जब दोष सिद्ध हो जाएगा उसके ऊपर ये लोग बोलेंगे, अभी इसके ऊपर अभी लोग का कहना यही है कि अभी इनके ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी इनके ऊपर कोई कार्रवाई या ऐसी कोई चीज अभी इनके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए अभी वो लोग इनको अपना सांसद मानते हैं और मानते रहेंगे, दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए।
तो आपने सुना कि किस तरीके से बीजेपी सांसद बिजभूषण शरण सिंह का एक विवादित बयान फिर से सामने आया, लेकिन इस बयान को कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट समझा जा सकता है, क्योंकि जहां वो एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे थे तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पर उनके खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। तो वही अब इस बयान के बाद जो लगातार बिजभूषण सिंह है वो विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विनेश फोगाट को मंत्रा कहकर संबोधित कर दिया है। विनेश फोगाट वही महिला पहलवान है जिन्होंने देश को मेडल दिलाया, जिन्होंने विदेश में जाकर के भारत का परचम लहराया। ऐसे में उस महिला रेसलर का, या यूं कहे कि उस पदकवीर महिला रेसलर की मंथरा से तुलना करना कहां तक सही है, और अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया पहलवानों की आती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।